ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष राजस्थान के हमारे खास गेस्ट जुड़े हुए हैं। आप स्क्रीन पे उन्हें देख रहे हैं, हुकुम सिंह गहलोत जी हैं और बहुत ही अच्छे पेंटर हैं और उनके जो एग्जीबिशंस लगते हैं पेंटिंग के, निश्चित तौर पर आप उनके कुछ पेंटिंग्स हम लोग कोशिश करेंगे दिखाने का आपको। और आज उनसे बातें करेंगे कि उनका इस फील्ड में कैसे आना हुआ और क्या क्या अचीवमेंट्स उन्होंने पाए हैं। देश विदेश में अलग अलग जगह वो अपनी जो है एग्जीबिशंस लगाते हैं, तो आज उनके अनुभवों को हम लोग सुनेंगे और मुझे लगता है जो आर्टिस्ट होंगे उनके लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन होगा। तो आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका हुकुम सिंह जी, कैसे हैं आप? धन्यवाद सर, थैंक यू। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत। शिवनेहा जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप डिटेल बताइए क्योंकि आप उनको जानते हैं। जी, ओम शांति। हुकुम सिंह जी, आपका स्वागत है इस शो में। धन्यवाद। जैसे रमेश जी आप जानते ही हैं कि मोस्टली मैं सबको ऑनलाइन ही जानती हूँ और ऑनलाइन ही बातें करती हूँ उनसे। इनको मैं मिली नहीं हूँ, पर इनका रेफरेंस हमें सरस्वती चंद्र आचार्य जी ने, जो हेलो गुजरात न्यूज चैनल से हैं, उन्होंने दिया था। और उन्होंने बहुत ही अच्छा सरस्वती चंद्र जी का एक स्केच बनाया था। तो मतलब इनके जो कारीगरी है उसके लिए डेफिनेटली गर्व है। और हमें ये भी गर्व है कि ऐसे चित्रकार जो हमारे देश में है, जो भारतीय संस्कृति को उजागर करते हैं, और वो अमूल्य हीरे कहाँ ना कहाँ छुपे होते हैं जो हमें पता भी नहीं है। तो हेलो गुजरात चैनल में सरस्वती चंद्र जी ने हमें इनका रेफरेंस देकर आज एक हमें मौका दिया कि ये उजागर जो हीरा गुजरात में छुपा हुआ है उसको हम हमारे शो में लाए। सरस्वती चंद्र जी ने इनके बारे में काफी बताया था और हुकुम सिंह से भी हमने जाना कि उनके बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉरेनर्स को भारतीय संस्कृति में काफ़ी रुचि होती है। और इनके सबसे छोटी एज की जो स्टूडेंट है वो 3 साल की है, जो उनकी बेटी खुद थी, और उन्होंने बहुत ही अच्छा स्केच बनाया है, शायद हम प्रोग्राम के दौरान वो दिखाएंगे भी। और उनके बहुत ही देश विदेश में इनकी चित्रकार की प्रशंसा हो रही है और बहरीन वगैरह काफ़ी देश विदेश में इन्होंने भ्रमण भी किया है। और ये खुद बहुत बिजी रहते हैं, जब भी उनको कॉल करो उनके कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो आज आपने हमें टाइम दिया है इनके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है। तो हुकुम सिंह जी, अब हम आपकी ही लाइफ की जर्नी सुनना चाहेंगे कि कैसे आपका ये चित्रकला में आना हुआ, कैसे आपने ये स्टार्ट किया और आप कैसे राजस्थान में रहकर देश विदेश में जुड़े हैं, तो ये ही आपसे हम सुनना चाहेंगे। नमस्कार, शांति सभी को। नमस्कार, नमस्कार। तो मैं मेवाड़ का रहने वाला हूँ। मेवाड़ में भीम के पास में गांव है लालपुरा, वो हमारे पूर्वजों की जागीर थी, तो वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म तो वैसे उदयपुर में हुआ, मेरे पिताजी पले बड़े उदयपुर में, हमारा कुटुंब अभी भी गांव में ही है। तो मेरे पिताजी, हमारी फैमिली में, कुटुंब में पहले आर्टिस्ट हैं। उन्होंने अपना जो है चित्रकार का व्यवसाय, उन्होंने अपना कार्य शुरू किया था। तो बचपन से शायद ब्लड में ही है कि पिताजी चित्रकार हैं, तो मुझे शायद गिफ्ट मिला है, बॉर्न आर्टिस्ट हूँ मैं ऐसा मानता हूँ खुद के बारे में। और फिर उनको कार्य करते हुए देखना, और उनका जो वेल नोन आर्टिस्ट है वो काफ़ी उदयपुर में, तो कटक मेवाड़ी रंग के काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है मेरे पिताजी, भंवर सिंह जी ठाकुर साहब। तो उनसे प्रेरणा मिली, सब सर्वप्रथम तो प्रथम गुरु तो मेरे पिताजी हैं, और फिर उसके बाद मुझे काफ़ी बड़े धुरंधर गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो पाया। और काफ़ी कम उम्र से मैं ये चित्रकला का कार्य कर रहा हूँ। 8 वर्ष की उम्र से तो मैंने धन उपार्जन करना शुरू कर दिया था ईश्वर की कृपा से, अपनी पेंटिंग के जरिए से। और करीब 16 साल की उम्र से मैं आर्ट टीचर भी हूँ, और क्योंकि पिताजी के पास काफ़ी फॉरनर्स आते थे सीखने के लिए, तो तब से मैं भी थोड़ा उसी में अभ्यासरत रहा। पढ़ाई मेरी ऐसे स्कूल कॉलेज वगैरह में हुई है,
और चित्रकला में ही मैं रमा हुआ था, तो बस यही कार्य करता रहा और फोकस था बिल्कुल कि मुझे क्या करना है जीवन में अपने काम के प्रति, तो करता रहा और मौके मिलते रहे, कभी राजस्थान सरकार से, कभी गोवा सरकार से, कभी भारत सरकार से, छोटे मोटे कुछ न कुछ एग्जीबिशन इत्यादि किए मैंने, वर्कशॉप, और देश विदेश में काफी जाने का मौका भी रहा मुझे। दुर्भाग्य से 3 बार हो के आया हूँ यूरोप, वहाँ रहा कुछ समय में, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, काफी वहाँ पर वर्कशॉप इत्यादि किए मैंने और एग्जीबिशंस किए। और क्योंकि मेवाड़ का व्यक्ति हूँ तो भारतीय शास्त्रों में, भारतीयता में विश्वास है पूरी तरीके से, तो जो पेंटिंग का जो मूल रूप है वो मेरे काम में शास्त्रोक्त ही है। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल, कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण है एक, जो वेद व्यास जी द्वारा रचित है, जिसमें मार्कंडेय जी और वज्र जी का संवाद है। उस संवाद के दौरान ही उन्होंने चित्रकला से संबंधित सारे रहस्य खोल दिए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि व्यक्ति केवल एक ही किसी शास्त्र को पकड़ ले, तब भी हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएंगे अपने काम की गुणवत्ता में। तो मेरा भी यही प्रयास रहा है और ईश्वर की कृपा से काफी ठीक चलता है काम। और कुछ वर्षों से, अभी मैं पिछले करीब 8 वर्ष से गुरुकुलम शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। तो अहमदाबाद में 3 गुरुकुलम है, साबरमती गुरुकुलम है, वहाँ के संचालक श्री हैं उत्तम भाई झा, वो भी काफी कला प्रेमी भी हैं। वहीं से मैंने शुरुआत करी थी अपना भारतीय छात्रों को सिखाने की। इससे पहले तक मैंने केवल फॉरेनर्स को ही सिखाया था, लेकिन वहां से प्रेरणा मिली कि भारतीय व्यक्ति द्वारा भारतीयों को तो सिखाया जाए कम से कम। तो तब से फिर मैंने भारतीय छात्र छात्राओं को सिखाना शुरू किया। उसके बाद से कुछ दो और गुरुकुलम है, सुभाष ब्रिज पर भी है अहमदाबाद में ही, और एक गोपाल भाई सुतरिया हैं, वो भी संचालक हैं, एक गोतीर्थ विद्यापीठ नाम से है अहमदाबाद में गुरुकुलम, तो वहाँ भी मैं अपनी सेवा देने का प्रयास करता ही हूँ। अभी राइट नाउ मैं फलोदी के पास में एक गाँव है खींचन, वहीं पर बैठा हूँ। यहाँ पर भी एक गुरुकुलम है, हमारे एक भाई साहब है विद्यासागर जी, तो उन्होंने ये प्रकल्प शुरू किया हुआ है गुरुकुलम शिक्षा का। तो यहाँ ये प्रयास है कि यहाँ पर भी छात्र छात्राएं जो है तैयार हों, चित्रकला के क्षेत्र में कुछ उत्कृष्ट करें, और बच्चे करते ही हैं। अभी आपको जानकर शायद हैरानी हो कि राई के दाने पर, सरसों का जो छोटा सा दाना होता है, उस पर पोर्ट्रेट बना लेते हैं मेरे स्टूडेंट। वो सब ईश्वर कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, और जीवन में इसी प्रकार से आगे बढ़ने का प्रयास रहा है। मेरे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर बेलनाथ नागदा साहब उदयपुर विराजते हैं, उनके आशीर्वाद से सब कुछ होता आया है जीवन में और आगे भी होता रहेगा, ऐसी आशा है, प्रभु से यही प्रार्थना भी है। तो इस प्रकार से जीवन चला है अभी तक। अब गुरुकुलम व्यवस्था से जुड़े हैं कि भारत के शास्त्र में जो बातें हैं, जो हमारा वैदिक आर्य जो संस्कृति है, उसके आधार पर तैयार किया जाए, क्योंकि इस पूरे विश्व में जितने भी प्रकार के, अगर बाहर हम पाश्चात्य विषयों को देखें या पाश्चात्य जो पद्धति है उनको देखें, तो वो किसी एक चीज पर, स्पेशलिटी पर केंद्रित होती है, जबकि भारतीय जो है वो किसी भी विषय में समग्रता पर विश्वास है। इसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हमारे एक मित्र हैं जयेंद्र सिंह जी राठौर, उन्हीं से मैंने ये एग्जाम्पल लिया था कि आपको एलोपैथी में आई स्पेशलिस्ट मिलेगा, या हार्ट स्पेशलिस्ट मिलेगा, या किसी प्रकार का स्पेशलिस्ट मिलेगा जो किसी एक अंग या किसी एक प्रक्रिया के बारे में बात कर पाएगा, या किसी एक प्रक्रिया पर वो अपना प्रैक्टिस करेगा। लेकिन यदि हम भारतीय पद्धति पर देखें, आयुर्वेद पद्धति पर देखें, तो समग्र एक केवल नाड़ी के माध्यम से जो वेदराज होगा वो आपको आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ बता देगा, और वो निदान भी कर लेगा किसी भी प्रकार की। तो इसी प्रकार से भारतीय शास्त्रों में भी चित्रकला से संबंधित भी ऐसा ही है। जैसे एक आचार्य जी थे यशोधर जी, उन्होंने कामसूत्र का अभ्यास किया, टीका भाष्य किया, और उसमें से एक निचोड़ निकाल के उन्होंने एक श्लोक दिया है, जो मैं कहना चाहूंगा, सभी हमारे श्रोता बंधुओं से भी, सभी से भी शेयर करूंगा। तो वो कहते हैं, रूप भेदा प्रमाणानि लावण्यं भावयोजनम् सादृश्यम वर्णिका वंग इति चित्र षडंगकम्। मतलब चित्र के ये 6 अंग बताए हैं उन्होंने,
और मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने अपने स्वयं प्रैक्टिस में लिया है, कि चित्र के इन 6 अंगों को अगर ध्यान में रख करके भी हम अगर हम चित्रकला का अभ्यास करते हैं, तो हमारी चित्रकला में, हमारे चित्र में जबरदस्त लावण्य आएगा, निश्चित निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से हम अपने शास्त्रों का अवलंबन लेकर के अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है और यही मेरा प्रयास है, ये बिल्कुल काम मैं कर बिल्कुल। रहा हूँ अभी। हुकुम सिंह जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने चित्रकला को निखार सकते हैं, और उसके लिए आपने शास्त्रों की बातों का भी उदाहरण देते हुए और गुरु की बात आपने बताई। निश्चित तौर पे एक अच्छा गुरु हमको मिल जाता है तो चीज़ें आसान हो जाती है, और हमें सीखने में भी आनंद आता है, और सीख कर हम जो है अच्छा प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। तो आइए कुछ चित्रों का जो है आपके प्रेजेंटेशन में अभी आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर ये एक चित्र है ये मेरी बच्ची है, तो जी। ये 2.5 वर्ष की अवस्था से इसने अपना अभ्यास शुरू कर दिया था मेरे साथ। तो 4 वर्ष की अवस्था, अभी वो 6 साल की है, तो 4 वर्ष की अवस्था में मुझे उसका अभ्यास रोकना पड़ा, क्योंकि वो इतना फास्ट करने लग गई थी कि मुझे लगा कि यार बाकी की कोई शिक्षा दीक्षा आसानी से नहीं कर पाएगी, फिर ये इधर ही आ जाएगी। तो शायद मैं इस विश्व का पहला पिता होऊंगा जिसने अपनी संतान को रोका कहीं प्रगति करते हुए। ऐसा है जी। जी, ये ये थ्री डी एक इफेक्ट थ्रीडी है। जी 3D इफेक्ट के लिए पेंटिंग है ये। ये ग्रुप ग्रुप के हिसाब से हमने एक पेंटिंग डिजाइन किया था, तो अच्छा इसमें सारे ही बच्चों को एक साथ बिठाया था ताकि वो एक प्रकार का काम करें, और एक दूसरे से इस बात का कंपटीशन था कि मैं सर्वश्रेष्ठ करूं, और प्रभु कृपा रही कि पूरा ही पेंटिंग बहुत ही अच्छे से हुआ। इसमें हमने एक श्लोक अच्छा की रामायण बनाई थी, एक श्लोक है रापू जिसमें पूरी ही रामायण का वर्णन किया है, तो वो हमने इसमें बनाया था बच्चों ने। ये जी जब मैंने शुरुआत किया था अपना फर्स्ट आर्ट गैलरी, सबका एक फोटो है। ये एम्स्टरडम में एक आर्ट गैलरी है आर्ट केज नाम से, और वहाँ के जो जो ओनर हैं वो एक पर्शियन फैमिली है, और क्योंकि भारत में जो मिनिएचर आर्ट फेमस हुआ है वो पर्शियन आर्ट के नाम से फेमस हुआ है, पर्शियन टेक्निक्स को हमने काफ़ी अडप्ट किया है भारतीय चित्रकारों ने। तो वहाँ पर मेरा कुछ बातचीत हुआ उनके ओनर से, ऐसे ही मिले हम, वी जस्ट बम्प इनटू ईच अदर, और उन्होंने मुझे यह ऑफर दिया कि आप प्लीज़ हमारे यहाँ पर एक शो करिए। तो मेरा पहला जो शो था एम्स्टरडम में वो ये था, वहां का ये चित्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपने बारे में बताने बहुत के लिए। अच्छा लगा इन फोटोज को देखकर और आपके कार्य को देखकर। तो आइए, आपके स्वागत के लिए नीता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक छोटा सा गीत नीता जी आप पेश करें हुकुम सिंह के लिए। माइक ऑन कीजिए, आपका माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन। ओम शांति सभी को। ओम शांति। जैसा मन
दिया है बाबा हमने नया जीवन, दिया है हमको बाबा नया जीवन। बहुत ही खूब नीता जी, आपने बहुत ही अच्छा गाना सुनाया। और ये गाना सुनते सुनते एक मेरे को भी चिंतन चला कि जैसे संकल्प से सृष्टि रचती है, वैसे मुझे लगता है कि चित्रकारों को भी संकल्प से ही प्रेरणा आती है, और वही संकल्प फिर जो उनके चलते हैं वो चित्रकार अपनी साधना से, अपनी इससे वो चित्र में डालते हैं। जैसे शायरी, शायर भी वैसे ही होते हैं। तो ये सब संकल्पों का खेल है नेचुरली। बट साथ साथ में कभी कभी आपको एक ये भी मिलता है कि कोई थीम रहता है, तो वो हिसाब से भी आपको काम करना पड़ता है। तो रमेश जी जुड़े तब तक हम शो को आगे बढ़ाते हैं कि हुकुम सिंह जी, ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे पहले तो गुरुकुल की जो आपने बात बताई, तो वो तो एक ऑफलाइन ट्रेनिंग हो जाती है, पर अभी जैसे कोरोना महामारी में ऑफलाइन ट्रेनिंग डिफिकल्ट हो गई, तो तभी आपने कैसे लोगों से आप जुड़े रहे और कैसे इसे आपने और भी आगे बढ़ाया? माइक आपका ऑन कर दीजिए, माइक हुकुम सिंह। वॉल्यूम नहीं आ रहा, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए आपका, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ। कोई नहीं, एक काम करो ना, वापस एक बार एंटर करो, री एंटर करो हुकुम सिंह, नहीं, वापस एक बार एंटर करो, आप री एंटर करो, शायद उससे आवाज आ जाए।
तब तक हम नमस्कार, आप सुन और रहे रेडियो कुछ मधुबन बातें 90.4 करते हैं। एफएम। मेरा जी, तब तक आप सुनाइए। ऐसा मानना है कि जब कहते हैं कि जो चित्रकार है वो चित्र, ये सबसे तो अच्छा चित्रकार ये सृष्टि का है जिसने ये सृष्टि रची है, तो वही जो गाना है ये कौन चित्रकार है। तो ये चित्रकार के ऊपर भी मैं कुछ बताना चाहूंगी कि हम जब ये सोचते हैं कि परमात्मा है तो परमात्मा कैसा है उसका कभी चित्र हमने देखा नहीं है। हम जो मूर्तियां देखते हैं वो तो एक रोल मॉडल है, पर असल में जो परमात्मा है वो एक ज्योति स्वरूप है, और वो ज्योति स्वरूप को हम अनुभव कर सकते हैं। उसका चित्र बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जैसे संकल्प की बात चली, मैं भी कुछ सुनाती हूँ आपको जब तक हुकुम सिंह जी ज्वाइन हो गए हमारे साथ में, कि यही संकल्पों की रचना से। हाँ जी, हुकुम जी जी, सिंह आ जी आ गया। गए। हाँ जी, सुनाइए हुकुम सिंह जी जी कि हाँ, लॉकडाउन में शुरुआती समय तो काफी मानसिक रूप से संघर्ष कर रहा कि पता नहीं क्या ये बीमारी खतरनाक आई है, सारी महामारी फैली हुई है, तो अपना, अपने परिवार का, अपने जो स्टूडेंट हैं उन सभी का, अपने मित्रों के बारे में ही चिंता रही। तो जागरूकता जितना फैला सकते थे उतना कोशिश करी। फिर इस पर ध्यान आया कि ये सिर्फ क्योंकि हम लोग बिल्कुल बंद हो गए हैं, अब हम करेंगे कैसे, क्या हमारा जीवन कैसे चलाएंगे, क्योंकि खाना पीना तो ठीक बात है, हो जाए, हो ही जाएगा किसी न किसी प्रकार से, लेकिन जो मानसिक संताप होगा उसका हम कैसे निवारण करेंगे। तब कुछ ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू करी बच्चों के लिए, और उसमें उनको कुछ क्रिएटिव वर्क दिए मैंने, जो लगभग पूरे विश्व में, बहुत सारे 180 से ज़्यादा देशों में मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो सभी को साथ लेके चला मैं। और बहुत व्यस्तता रही क्योंकि अलग-अलग टाइम स्केल होता है, तो उस हिसाब से कभी कभी रात रात भर भी जागना होता था, अलग-अलग वर्कशॉप्स देने में, उनको बिजी रखने में, और उनको थोड़ा सा ये थोड़ा इंस्पायर करने में कि भाई ठीक है, महामारी है, आई है, तो ये जाएगी भी, अभी हमको थोड़ा सचेत रहना है और अपना मानसिक रूप से हमारा स्तर जो है संतुलन बना रहे। और इस प्रकार से फिर अलग अलग प्रकार की वर्कशॉप्स करी, कुछ इंस्पायरिंग कुछ कर सकें क्या, पेंटिंग में क्या हम सब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्या हम मीडियम्स अलग से कुछ यूज़ करें घर में ही अवेलेबल हो। तो एक प्रयोग ऐसा भी किया कि घर में जो लकड़ी जला के कोयला बनाया और उस कोयले से ही पेंटिंग शुरू करी, क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता ही था। अब चूंकि हमारे पास व्यवस्थाएं थी ब्लैक कलर के लिए चारकोल पेंसिल इत्यादि, तो तब तो ध्यान गया नहीं, लेकिन किसी समय ऐसा आया कि जो है ब्लैक कलर मेरे पास अवेलेबल नहीं था उस समय, तो फिर घर में ही थोड़ा सा लकड़ी वगैरह जला के कोयला बना करके, और फिर उससे पेंटिंग्स बनाई, काफ़ी पोर्ट्रेट्स बनाए, लोगों को गिफ्ट क्या भी बात किए है, जो काफ़ी बरसों से मतलब इंतजार में थे कि कभी हमारा कोई पोर्ट्रेट बने या कोई पेंटिंग बने, तो ये भी किया। और इस प्रकार से कनेक्टेड रहा लगभग पूरे ग्लोब में बहुत सारे देशों से और वहाँ के छात्र छात्राओं से, तो इस प्रकार से उनको भी इसी तरीके से कुछ आइडियाज देता रहा। कुछ लोगों ने बहुत पुरानी पद्धतियाँ थी जिसमें दाल चावल धान्य से भी रंग बनाए जाते थे, तो उनका, उन पद्धतियों का भी थोड़ा सा शुरुआत कर भाई कि चलो भाई आप ये शुरू करिए, तो ये इंटरेस्टिंग भी रहेगा, आपका टाइम भी कुछ अच्छे काम में कंज्यूम होगा और कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना टेक्निक ही वो बना लिया है नेचुरल कलर्स के साथ, तो ये अच्छा रहा कि इसी बहाने, महामारी आना तो अच्छी बात नहीं थी, लेकिन इसके बहाने चलो हमने कुछ नया और जो पुराना था उसको नए तरीके से फिर शुरू करने की कोशिश करी है, तो इस प्रकार से हमारा समय निकला कोरोना काल का, ये रहा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जी एक और बात पूछना चाहूंगा। जी जी सुनिया जी, नहीं पूछिए। आप बोलिए ना, कोई नहीं, मैं तो कब से पूछ ही रही हूँ। हाँ, ये एक जो नेचुरल कलर्स की आपने बात कही है अभी, है ना, जैसे कोयला है जो हमारे पास एसेट है, तो इसमें और हम लोग जो दुकानों में या जो प्रोफेशनल पेंट्स हमें मिलते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों को करने में क्या मुश्किलें आती हैं और क्या अच्छा चीज़ है? ठीक है, देखिए
देखिए, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने हमको जितना भी कुछ दिया है अलग से, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, वो प्रकृति के विरुद्ध जाकर के ही दिया है। और हमारे जो नेचुरल कलर्स हैं वो प्रकृति के साथ चलने वाले हैं। दूसरा, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो जबरदस्त है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे राजस्थान में फेमस है स्टोन नेचुरल कलर्स। तो जो गाँव के लोग हैं, चरवाहे हैं, उनको पता होता है कि कौन से पत्थर हैं जिनसे रंग बनता है। तो वो क्या करते हैं, जब चराने जाते हैं अपने चौपायों को, तो वो कलेक्ट कर लेते हैं और वो अलग अलग आर्टिस्ट तक पहुंचा देते हैं। अब क्या होता है कि वो पद्धति से पत्थर को चूरा करके पाउडर बनाया जाता है, पाउडर से हम फिर पेस्ट बनाते हैं कुछ पद्धतियों के साथ, और वो जो पेस्ट वापस से सूखता है पेंटिंग पर लगने के बाद कलर, तो वो फिर से पत्थर हो जाता है। इसीलिए आपने कभी ध्यान दिया होगा श्योर कि म्यूजियम्स में 1000 साल, 1500 साल, 2000 साल, 500 साल पुरानी पेंटिंग्स है, लेकिन उनके जो कलर हैं वो, उनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो वैसा का वैसा ही है, वही ब्राइटनेस है उनकी। तो ये पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा ये है कि जो आज के आधुनिक ज़माने के जो कलर है हमारे पास, जो केमिकल कलर्स हैं, तो केमिकल तो प्रकृति के लिए ठीक नहीं है वैसे भी, और दूसरा ये कि वो फैट हो ही जाते हैं कुछ समय के बाद, उनकी जो लाइफ है वो काफ़ी कम है। केमिकल कलर्स को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनकी लाइफ काफ़ी कम होती है। वैसे ऑयल पेंट बनाने की भी हमारे यहाँ पर पुराने समय से पद्धति रही है, नेचुरल तरीके से हमने ऑयल पेंट बनाए हैं भारत में, जी, और जी, उसका जी। बहुत ही अच्छा प्रयोग जो है राजा रवि वर्मा जी ने किया था, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट है, ऑफकोर्स हम सभी जानते ही है। तो उन्होंने भारतीय पद्धति के ऑयल पेंट्स और उसका समायोजन किया अलग अलग विषयों में, पाश्चात्य विषय, भारतीय विषय, और आज तक हम देख ही रहे हैं कि इतने वर्षों बाद भी उनकी जो पेंटिंग्स हैं उनकी जबरदस्त जो है चमक है। तो ये फर्क रहता है, बेसिक फर्क जी, तो जी, यही जी। है, नेचुरल कलर्स और पूरा ये जो नए कलर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और छोड़ो, मेरे ख्याल से नेचुरल कलर्स को यूज करने में हमें टाइम भी लगता होगा, उसको प्रिजर्व करने में भी टाइम लगता जी, होगा, उसको समझने में समय लगता है, क्योंकि उनका जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो नॉर्मली काफी हाई होता है, तो कम कलर में बहुत सारा काम किया जा सकता है उसके अंदर नेचुरल कलर्स के साथ। और जो हमारे दूसरे पिगमेंट्स है, ये जो केमिकल कलर्स है सॉरी, तो उसमें क्या है कि उनका कॉन्ट्रास्ट इतना हाई नहीं होता है आफ्टर वाइल, और जो नेचुरल कलर्स है उनका जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ही हाई होता है। तो हमारा अनुभव चाहिए हमको, बार 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 काफी काम करना होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे एक प्रथम गुरु जी थे ओम प्रकाश जी बिजोलिया साहब, उदयपुर में विराजते हैं, उनके पास मैं थोड़े तो समय ही जा पाया, दुर्भाग्य से ज्यादा लंबे समय में मुझे उनका सानिध्य नहीं मिला। और उसके बाद मैं एक मेरे गुरुजी थे नवरतन जी शर्मा साहब, तो उनके पास 6 महीने सिर्फ मैं बैठा, जब उन्होंने काम, वो काम करते थे और मैं सिर्फ देखता था, तो देख करके ही सीख पाया पहले कि वो गुरुजी कितना, और बहुत ही कम कलर में बहुत सारी पेंटिंग्स बन जाती है जब नेचुरल कलर्स हम उपयोग में लेते हैं तब। और वहीं पर अगर हम केमिकल कलर्स का उपयोग करते हैं तो कलर्स भी बहुत ज्यादा चाहिए और प्लस उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी नहीं होती, लाइफ भी उतनी नहीं होती। तो इस प्रकार से ये जो नेचुरल कलर्स हैं उसका प्रभाव काफी अलग है और लाइफ लॉन्ग है, ऐसे है। अच्छी ये बात बताई आपने। हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो आपने राजा महाराजाओं की भी बात की, तो कभी आपकी लाइफ में उनके साथ आपका कुछ काम करने का हुआ, मतलब जो मेवाड़ में राजा होंगे या राजस्थान में भी बहुत सारे जी, उदयपुर। मेरा बड़ा मन है कि मैं एक बार महाराणा मेवाड़ महेंद्र सिंह जी से मिल पाऊँ, और मैं कोशिश में हूँ, और किसी दिन जरूर सौभाग्य मिलेगा मुझे, अभी तक तो मैं नहीं मिल पाया हूँ उनसे। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ राव उमराव है, उनके कुछ आर्ट गैलरी वगैरह भी है, आर्ट बिजनेस है, तो मेरी पेंटिंग्स जो है वो सभी जगह जाती थी। तब मैं पेंटिंग्स जो बनाता था रेगुलरली, तब पेंटिंग्स जाती जरूर थी अलग अलग जगहों पर। तो मैंने पोर्ट्रेट्स काफी बनाए हैं अलग अलग, जिनको कह सकते हैं छोटे राज्य रजवाड़ों के, छोटे जागीरदार जो होते हैं, तो वहाँ तो मेरे काफी पोर्ट्रेट्स गए हैं लंबे समय से, अभी भी कभी कभार बनाता ही हूँ। गुजरात में भी पिछले 7-8 सालों से हूँ, तो वहां पर भी काफी कुछ भेजे हैं मैंने पोर्ट्रेट्स बना करके, डिमांड रहती है तो। लेकिन ऐसे डायरेक्टली महाराणा जी से तो मिलने का सौभाग्य अभी नहीं मिला है मुझे, पर निश्चित रूप से मिलूंगा जरूर। आशा करते हैं कि आप जल्दी ही मिलो, और हम हेलो गुजरात टीम को ही बताएंगे कि आपको ही वहां ले चले। मीडिया तो कहां भी पहुंच सकती है, हमारे संकल्पों से भी आगे।
वो एक अच्छा साधन है आजकल। अच्छा, दूसरा ये भी है कि आज के टाइम में जब ये जो एनिमेशन है और बहुत सारे कॉरल ड्रॉ और क्या क्या ड्राइंग की सब चीजें निकली हुई है, उसमें एक आपका जो हाथों से पेंटिंग करना या चित्रकला को प्रदर्शित करना, वो कितना डिफिकल्ट, आई मीन जो कॉम्पिटिटिव, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिशन, एक कैसे आपको उसका प्रभाव कैसे लगता है, मतलब वो महसूस देखिए होता है दोनों कि? जी, वो बिल्कुल होता ही है महसूस। तो दोनों ही जो क्षेत्र हैं वो बिल्कुल अलग अलग है, एक्चुअली दिखते हैं एक जैसे हैं लेकिन क्षेत्र बिल्कुल अलग हैं। उसमें भी मेहनत काफी लगती है, ग्राफिक्स में भी, कोरल इत्यादि में भी। और इसमें जब हम हाथ से ड्राइंग करते हैं इसमें भी साधना तो उतनी ही लगती है। अब ये बात है कि पेंटिंग ऐसा विषय है, चाव का विषय है, शौक का, कि किसको किस अच्छा, प्रकार का कार्य पसंद आएगा। तो हाँ अभी भी ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जिनको नेचुरल पद्धति की चीजें ही पसंद होती है। तो जो आर्टिस्ट हैं उनको कंपटीशन से घबराने की जरूरत नहीं है, जहां तक मेरा अनुभव रहा है। क्योंकि करीब 20 साल पहले जब फ्लैक्स आना शुरू हुए तो काफी सारे आर्टिस्ट के काम पर प्रभाव आया। क्योंकि पहले वो साइन बोर्ड और इत्यादि भी बनाते थे, कभी बड़ी पेंटिंग्स भी बनती थी, तो वो सारी चीजें बंद हुई, फ्लैक्स आना शुरू हो गए। लेकिन फ्लैक्स में भी जिन लोगों ने अपना रुचि रख करके काम सीखा तो उनका काम चला ही है, किसी का काम रुकता नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है प्रकृति में। बस यह है कि काम के गुणवत्ता के हिसाब से देखा जाए तो ये टेस्ट का विषय है। तो अभी कुछ लोग जो है प्रिंट रखते हैं अपने घरों में और कुछ लोग पेंटिंग्स रखते हैं, और ये चाव का विषय है, इसलिए मैं किसी को माइनस पॉइंट नहीं दे पाएंगे हम यहाँ पर। लेकिन ये डिफरेंस जरूर रहता है, हाथ से जो काम करेंगे उसमें थोड़ा अधिक अभ्यास की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें आपको गुरु का सानिध्य की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और ये जो ग्राफिक्स इत्यादि है उसमें आप ऑनलाइन कोर्सेज इत्यादि कर सकते हैं और उसमें आपकी गुणवत्ता काफी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर जब हम चित्रकला को हाथ से बनाने की बात करेंगे तब गुरु का सानिध्य तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा मेरा अनुभव ये है। ऐसा है कि जैसे हम लोग प्रेम भरा पत्र पहले हाथ से लिखते थे और अभी हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, पर एट द सेम टाइम हम कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जब भी हम हाथों से पत्र लिखते हैं किसी को, तो वो एक फीलिंग, और जब भी हम ऑनलाइन मैसेज भेजते हैं उसमें फीलिंग और बिल्कुल भावार्थ और वो भी बदल जाता है। तो मुझे जी, लगता है बिल्कुल बिल्कुल कि चित्र में भी शायद ऐसा है कि दिल की भावनाओं में भी जी फर्क पड़ता है। बिल्कुल मतलब कभी बिल्कुल कभी हम ये सोचते हैं। चित्र की अभी जैसे आज के जमाने में फिर से हम ये देखते हैं, और खास करके मैं मुंबई की बात करती हूँ, कि मुंबई में जी आजकल बहुत सारे फिर से ये दौर चला है कि लोग, है ना, ये चित्र जो पेंटिंग्स बने हैं ना, वो घर में सजाने का दौर जी चला है। और जी जो पहले जी ऐसा था कि कुछ ऐसे ही वो लोग ये बनाकर लगा देते थे, बट आजकल जैसे राजस्थानी जी कपड़ों का फ्रेम बनाकर कुछ वो डालते हैं, तो जी अभी वो फिर से बिल्कुल एक बार वो भारतीय संस्कृति को हर एक ने अपने घर में जी सजाने का चालू कर दिया है। तो मुझे लग जी रहा है जी कि बिल्कुल फिर से ये डिमांड बढ़ेगी, और नेचुरली बिल्कुल जो भारतीय संस्कृति है वो फिर से एक बार आएगी, क्योंकि भारतीय जी संस्कृति को बिल्कुल फिर से आना ही है। और मतलब जो आप जैसे छिपे कलाकार हैं, वो फिर से बाहर चमकेंगे भारत के शुभम कृपा देश में, रहेगी जी और इतिहास जी में भी वो नाम फिर से रोशन होगा ही होगा। वो रमेश तो जी, दे आप रहा कुछ नहीं अभी है। पूछना चाहेंगे? हाँ क्योंकि हाँ शायद हाँ शिव रमेश जी भी सिन्हा नज़म जी लिखते हैं। अच्छा, जी जी सुनिया जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया। फिर से वापस जो है भारत जो है अपना अलग रूप से वापस आएगा ही, निश्चित तौर पे उसका काम चल रहा है। तो ये सारा जो आयोजन होता है, जैसे कहते हैं कि जरूरत के अनुसार सब चीजें बनती हैं, जरूरत के अनुसार आविष्कार होते हैं, है ना। तो वो जी सारी चीजें फिर से वापस शुरू हो रहा है। और एक बात मैं जी पूछना चाहूँगा हुकम सिंह जी, क्योंकि आपके पास जी अनुभव है, काफ़ी अलग अलग जगह पे आप एग्जीबिशंस लगाते हैं, तो जो जी आर्टिस्ट होते हैं उनको कभी कभी बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका जो है जीवन यापन करने में भी। कभी कभी उनका एग्जीबिशंस इतने लगते नहीं है, सेल नहीं होते उन चीज़ों पर। जी तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, आपका क्या आइडिया देखिए, प्रभु है? कृपा से, गुरु कृपा से मेरे जीवन में संघर्ष इस मामले में कम रहा है।
कम रहा, हाँ बहुत कम रहा है आपके, क्योंकि आपको तो अपॉर्चुनिटीज मिला, लेकिन बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जो स्टूडेंट हैं, बाहर निकलते हैं और बहुत सारे काम करते हैं बेचारे, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म या फिर ऐसा मंच नहीं मिलता जहाँ पर वो अपनी रोजी रोजी को अच्छी तरह से मैनेज कर पाए या अपना कला का प्रदर्शन कम से कम, चलो एक बहुत ज्यादा महंगे उनके चित्र ना बिके लेकिन उनका जो मेहनत है उसका इम्पोर्टेंस तो मिले और उनको उसका जो है तवज्जो मिले। उसमें दो बातें मैं बताना चाहूंगा। जैसे अगर हम आज के समय की बात करें तो आज से पहले युगों युगों में ऐसा समय नहीं आया जब आप पूरा संसार आपके हाथ में है, मोबाइल है आपके पास और गूगल बाबा का इतना आशीर्वाद है सभी को कि आप जितना चाहें अपने कार्य का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज हंट कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है यदि आप फोकस करें तो। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, ये मेरा अनुभव भी रहा है कि जब मैंने मेरे अपने पूज्य गुरुदेव जी के पास काम के लिए मैं बैठता था काम सीखने के लिए, तब मैंने उनसे पूछा था कि गुरुजी मुझे कितना समय लगेगा ठीक ठाक आर्टिस्ट हो जाने में कि मेरा अपना भरण पोषण हो जाए, परिवार का भी हो जाए चित्रकला के जरिए से। तब उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा 3 साल लगेंगे तेरी योग्यता के अनुसार। तब साहब मैंने अपनी तरफ से उसको 5 साल किए और गुरु जी ने, क्योंकि उसमें दीपावली मरण मौत शादी विवाह इत्यादि सारे वो छुट्टियां भी जोड़ी थी और रोज के 8 घंटे भी जोड़े थे उन्होंने, 8 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन बताई थी कि 3 साल लगेंगे। तब मैंने अपने जीवन का जो उस समय जो मैंने लक्ष्य साधा था वो मैंने 5 साल दिए थे खुद को अपने कार्य को। तो 5 साल तक मैंने फिर घर परिवार दोस्त मूवीज पार्टीज कुछ नहीं किया, 5 साल मैंने 20 घंटे रेगुलर काम किया। तो अगर मैं अगर हम फोकस होकर के अपना किसी एक टेक्निक को भी पकड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हो क्या जाता है कि हम अपने आस पड़ोस में किसी और आर्टिस्ट को देख लेते हैं या किसी ऊंचाई पर अभी जो चढ़ रहा है कोई आर्टिस्ट उसकी तरफ हमारा अगर ध्यान चला जाता है तो क्या होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, हमको लगता है कि क्यों ना मुझे भी जल्दी से फटाफट से कुछ सफलता मिल जाए। मिल भी जाती है बहुत से लोगों को, मैं भाग्यशाली रहा हूँ इस मामले में, मुझे भी मिली है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि यदि हम 5 साल अपने खुद को दे देंगे अपने किसी विषय को जी, तो निश्चित रूप से सफलता आपकी तैयारी है, कहीं कोई ग्रह दोष भी नहीं आएगा, कहीं कुंडली बताने की जरूरत नहीं है निश्चित रूप से। आप सिर्फ 5 वर्ष दे दीजिए, जितने भी अभी लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं सुन रहे हैं या आगे भी कभी सुनेंगे, तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप खुद को 5 वर्ष दीजिए और 5 वर्ष हम दे सकते हैं। अगर हम कुछ करना चाहें तो जीवन बहुत बड़ा है, कर सकेंगे बिल्कुल, और अगर हम निठल्ले बैठेंगे तो फिर तो समय इतना धड़ाधड़ से निकल जाएगा कुछ नहीं हो पाएगा, और इधर उधर कहीं ले देखने की जरूरत नहीं है, बस फोकस रखेंगे लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे तो हम निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी, ना सिर्फ चित्रकला के क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में। 5 वर्ष मुझे लगता है कि मेरे अनुभव में है 5 वर्ष इनफ है, कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक और बात इसी से रिलेटेड है, मार्केटिंग कैसे करें, एग्जीबिशंस वगैरह कैसे लगाते हैं और फिर लोगों को कैसे बताएं, वो थोड़ा सा टेक्निक बताइए। कई बार हम लोग चित्र बना लेते हैं मेहनत करके फिर उसको सेल करने में एग्जीबिशंस लगाने में, तो उसमें क्या आइडियाज आप यूज करते हैं या खुद से लगाना है या फिर जिनका लग रहा है उनके साथ में हम लोग टाइप करें या क्या चीज़ें होती है, थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया दीजिए। देखिए शुरुआत में तो मुझे लगता है कि आर्ट स्टूडेंट्स को ग्रुप एग्जीबिशन का अवलंबन लेना चाहिए, ग्रुप एग्जीबिशन में अगर वो जुड़ेंगे तो क्या है कि कॉस्ट भी थोड़ा कम रहेगी उनके लिए और प्रचार प्रसार ठीक से हो जाएगा और उनको अनुभव हो जाएगा कि मुझे आगे जाकर के इंडिविजुअल कैसे काम करना है, पहला तो ये हो गया। दूसरा आज के समय में जैसे अगर हम विदेश की बात करें तो लगभग सारी ही एम्बेसीज जो है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम का कुछ ना कुछ रहता ही है उनका, तो अगर हम दृष्टि रखेंगे और रेगुलरली चेक करते रहेंगे तो हमको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस रहेंगे। जैसे भारतीय संस्कृति विभाग है भारत का भी, तो वो भी आपको काफी कुछ मौका दे देता है। दूसरा अपना वेस्ट जोन कल्चर है राजस्थान में, तो वो भी काफी हमको मौका देते हैं। वेस्ट जोन कल्चर के थ्रू मैंने 2-3 एग्जीबिशन भी किए हैं काफी वर्षों पहले, तो यदि हम दृष्टि रखेंगे आसपास तो निश्चित रूप से हम कर सकते हैं। और दूसरा इंडिविजुअल करना मेरे हिसाब से पहले ग्रुप एग्जीबिशन से शुरू करना चाहिए यदि हम शुरुआत में है तो, और फिर उसके बाद हमको जैसे जैसे अनुभव होता जाए वैसे वैसे, क्योंकि हमारा काम भी बढ़ेगा हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपना ही पेंटिंग लेकर के शुरुआत करना चाहेंगे तब तक हमको अनुभव थोड़ा कम हो पाएगा। यदि हम 5-15 आर्टिस्ट के साथ हैं
और उनका काम से भी हमको मिलेगा सीखने को, उनके अनुभव से भी हमको सीखने को मिलेगा। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि ग्रुप एग्जीबिशन से शुरू करना चाहिए, तो कॉस्ट वाइज भी कम बिल्कुल, रहेगा, एनर्जी भी बचेगी, ऐसा होता बहुत है। बढ़िया, बहुत सुंदर आपने बताया। और जैसे विदेश वगैरह में आप गए, ये कैसे आपका जाना जी हुआ? क्या आर्टिस्टों का ग्रुप के साथ ही जाना हुआ या किसी और लोगों ने आपको खास बुलाया आपके पेंटिंग को देखकर? जी दोनों प्रकार की बात थी। गया तो मैं अपने अपने हिसाब से ही था वहां पर, और वहां अच्छा, पर क्योंकि काफी देशों में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और आर्ट लवर्स हाँ भी हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफी वर्षों से, तो वो अच्छा तैयार ही अच्छा रहते थे वहां पर कि चलो ठीक है आए हैं तो अब वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते थे करेंगे। इंतजाम की वर्कशॉप हो जाता था, कभी एग्जीबिशन हो जाता था। हाँ और मेरा बिल्कुल वर्कशॉप में ज्यादा विश्वास रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल भारतीय चित्रकला को फैलाना चाहता था कि लोगों तक पहुंचे कि वास्तविक बिल्कुल क्या बिल्कुल चित्रकला भारत की है। एग्जीबिशन में मेरा थोड़ा कम हाथ रहा है, मैं कम उसमें मैंने ट्राई किया है, एग्जीबिशन हुआ है मेरे बिल्कुल शहरों में, लेकिन मैंने वर्कशॉप काफी करी है। शायद अब तक अच्छा मैंने करीब करीब 2-3 हज़ार वर्कशॉप कर लिए, तो वाह काफी वर्कशॉप में मेरा थोड़ा ज्यादा विश्वास है। बिल्कुल इसी के जरिए से आगे फैलेगा ये काम और फैल बिल्कुल, भी क्योंकि रहा लोगों को ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है। ज्ञान जी मिलेगा जी तो फिर अपना इम्पोर्टेंस पता चलेगा, फिर हम उसके लिए काम करने के लिए जी तैयार हो गए। अच्छा, एक वर्कशॉप की आपने बात कही जिसमें हम लोग जी भारतीय कला को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भारतीय कला में जी ऐसा क्या यूनिकनेस है जो पाश्चात्य देशों में वो यूनिकनेस नहीं है, तो वो बताएं। जी देखिए, भारतीय कला में जब शुरुआत से ही गुरु का सानिध्य में ही शुरू होता है कार्य हमेशा। हम बिल्कुल कभी भी केवल पुस्तक का या किसी प्रकार की जानकारी का अवलंबन लेकर के शुरू ही नहीं करते। भारत का तो सीधा सिस्टम यही है कि गुरु चरणों में बैठ के सीखते हैं, तो वहां से हमारे अंदर एक नम्रता आ जाती है। दूसरा, हम हमारे गुरु के निर्देशन में जब चलते हैं, तो क्योंकि इस संसार में आपने सुना ही होगा कि इस संसार में केवल गुरु और पिता ही ऐसे हैं जो अपने से आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं किसी और को। तो गुरु हमेशा यही कोशिश करता है कि बिल्कुल पूरा पूरा उसके अंदर खुद की प्रतिकृति उतार दें, तो इसलिए ये एक अंतर रहता है। और पाश्चात्य जगत में क्या है कि आर्ट कॉलेजेस हैं, हॉबी सेंटर्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पर एक कोर्स निर्धारित होता है कि इतना आप सीखेंगे उतना आप सीखेंगे। वो आपकी योग्यता, आपको उसके अंदर एडजस्ट करना है। और भारतीय व्यवस्था में यह है कि जो गुरु है वो ये निर्धारित करेगा, वो चेक कर लेगा कि इस शिष्य के अंदर कि किस प्रकार का कार्य सीखने की योग्यता है। जैसे मैं करीब दो अराउंड 200 स्कूल्स जैसा मैं काम करता हूँ। स्कूल्स मतलब पद्धति, चित्रकला पद्धति, मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, आसाम शैली, ऐसे। जी तो जी मेरे पास जब वर्षों से इतने स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनके कार्य करने के तरीके से, उनके ऑब्जर्वेशन के उस पावर से मुझे पता चल जाता है कि मुझे इस बच्चे को क्या सिखाना है, ये कहाँ पर किस तरफ आगे बढ़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं वो पोर्ट्रेट्स में बहुत आगे चले जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो नेचुरल कलर्स के साथ भित्ति चित्र में कुछ आगे जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्किटेक्शन वाला डिपार्टमेंट में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से गुरु ये तय कर लेता है अपने अनुभव के आधार पर भारतीय संस्कृति में कि बच्चा क्या कर पाएगा। और इसका एक बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल मेरी अपनी बच्ची भी है। मैंने जब उसको पेंसिल पहली बार दी, तो उसने शुरुआत ही पोर्ट्रेट्स वगैरह से की, तो मैंने जब अभ्यास उसको करवाया तो वो वहां पर अच्छा रिजल्ट आने लगा। ऐसे है, तो ये टेक्निक प्रामाणिक प्रामाणिक है। भारत की जो टेक्निक है वो बिल्कुल प्रामाणिक बिल्कुल है, उसमें बिल्कुल आपका सर्वश्रेष्ठ बाहर आ सकता है, बिल्कुल ऐसा मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल जी, निश्चित तौर पे जो चीज़ें हम लोग देखते हैं तो ये हमें जो है बड़ा अच्छा फील देता है। जो आपने सॉरी ने ये वाला चित्र, शायद आप इसके बारे में बात कर रहे थे, जो आपकी बिटिया ही है, तो निश्चित तौर पे चीज़ों को जी देखने के बाद जो है यूनिक हमें फील होता है। और एक गुरु वही है कि जो शिष्य की नब्ज को देख ले और समझ ले कि इनको कहाँ पर सेट करना है या इनको किस विधा में ढालना है ताकि ये अच्छा कर पाए। जी अदरवाइज ये चीजें अगर हम लोग नया डायग्नोस जी जैसी बात हो गई, क्योंकि मेडिकल फील्ड में भी बीमारी तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसका जी डायग्नोस ठीक से नहीं हो, जी है ना। एक बार डायग्नोसिस डायग्नोस ना हो बना, निरीक्षण बराबर हो जाता है, पता चल जाता है कि इसके वजह से ये चीजें हो रही, तो फिर तो इलाज तो आसान है। इलाज कोई जी मुश्किल थोड़ी है, वो दवा दे दिया खत्म कर दिया, ऐसा ही बात होती है। जी
लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल यही चीज होती है कि डायग्नोस कर लें। वैसे ही विद्यार्थी में क्या गुण है और वो कहाँ एक्सेल कर सकता है ये गुरु को ही पता होगा, और वो अगर इन चीजों को समझ लेता है तो विद्यार्थी को जैसे फिर वो चीजें समझ लेंगे। आप पोर्ट्रेट ही करेंगे ये अच्छा, तो पोर्ट्रेट सिखा दिया उसको, बात खत्म हो गई, तो उसने वो आगे जाना ही जाना है उसको, तो उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया, मुझे लगता है कि इन चीजों को अगर थोड़ा सा हम लोग समझने में इसको अगर टाइम दें, हम लोग 15 साल शिक्षा में बजाय 1 साल अगर हम ये समझने में ध्यान दे तो उसका 15 साल सफल होगा मेरे ख्याल से, उसका लाइफ बन सकता। सही बात है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी इन चीजों को कमी है। हम लोग जनरली सब चीजों को लेके जाते हैं और पोर्शंस हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई, हाँ ये सब्जेक्ट में इतने लेसन्स होने चाहिए यूनिट टेस्ट के पहले, एग्जाम के पहले और टर्म के पहले सारे चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए, ये हमारा टारगेट ना होते हुए हम बच्चे की एक्टिविटीज में देखें, बच्चे के ऊपर ध्यान दें, तो वो चीजें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है उनके लाइफ को डेकोरेट करने में, उनके लाइफ को बनाने में। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, इन फ्यूचर किस तरह की बातें आप बच्चों को देना चाहते हैं, और मोस्टली जो बच्चे आपके साथ अभी जो 3000 आपने वर्कशॉप किए हैं उसमें किन बच्चों को ज्यादा आपने देखा, जो किस विधा में ज्यादातर बच्चे ये फील्ड में ज्यादा एक्सेल है पेंटिंग में, और कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पर काम करना बाकी है उसमें कम बच्चे निकलते हैं। जी मोस्टली देखिए सर कि मैं काफी वर्षों से, मेरे गुरुजी हैं अहमदाबाद में नागजी प्रजापति, तो उनके पास मैंने पेंसिल पोर्ट्रेट का कार्य शुरू किया था। पोर्ट्रेट्स में काफी वर्षों से बनाता ही था ऑयल पेंट एक्रेलिक और वाटर कलर से, पेंसिल का कार्य मैंने वहां से शुरू किया क्योंकि जब मैंने सीधा सीधा भारतीय बच्चों को सिखाना शुरू किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि पोर्ट्रेट जो है वो बड़ा ही फटाक से कैश कार्ड जैसा है भारतीयों के लिए, लेकिन उसको सीखने में जो समय लगता है उसके लिए कोई तैयार नहीं है। तो गुरुजी से आशीर्वाद मिला मुझे और मैंने खुद पहले पेंसिल से ठीक ठाक करना शुरू किया और फिर मैंने बच्चों को उसमें सबसे ज्यादा ढालने की कोशिश करी, क्योंकि जब पोर्ट्रेट, मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं भी किसी का एक बार पोर्ट्रेट अगर आपने बना दिया और उसको जैसे आपने प्रेजेंट किया तो वो व्यक्ति आपका तुरंत मित्र बन ही जाता है। वो उसको पोर्ट्रेट ऐसा एक शैली है कि तुरंत उसमें आ जाता है कि आप पहचान लेंगे कि अच्छा ये व्यक्ति कलाकार है। क्योंकि सपोज मान लेते हैं कंटेम्पररी का कोई पेंटिंग है या स्ट्रोक पेंटिंग है या मधुबनी है, तो मधुबनी को कोई अमेरिकन अच्छे से नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो मधुबनी क्षेत्र का व्यक्ति शायद समझ पाएगा। लेकिन पोर्ट्रेट ऐसा है कि आप जंगल में भी किसी का बनाएंगे तो वो तुरंत उसको पहचान लेगा। दूसरा ये कि जब बच्चे पोर्ट्रेट बनाना शुरू करते हैं तो उनके अंदर एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, ये तो बिल्कुल वैसा चेहरा बनना शुरू हो गया। फिर हम उसको उसकी योग्यता के आधार पर अलग अलग विद्याओं में लगा सकते हैं, मिनिएचर हुआ या एब्स्ट्रैक्ट भी हुआ या कंटेम्प्रेरी में कुछ किया या मॉडर्न आर्ट का कुछ किया। लेकिन मैं अपने कार्य की शुरुआत अधिकांश पोर्ट्रेट से करवाता हूँ भारतीय बच्चों में, ऐसा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि भारतीय बच्चों को आप पोर्ट्रेट से शुरू करते हैं और पेंसिल का जो आर्ट है वो आपने अच्छा बताया कि किसी का हम लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं पेंसिल के द्वारा तो वो तुरंत जो है इफेक्टिव होता है, एक दोस्ती बनाने का जरिया बनता है और अपनी पहचान बनाने में आप कामयाब हो जाए। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और इन फ्यूचर हम लोग आर्ट को लेकर भारत के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि भारत की यह परंपरा को आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसमें किस किस तरह की बातें, आप किस तरह के पेंटिंग्स को एग्जीबिशन में लाएंगे तो भारत के बारे में पता चलेगा, वो थोड़ा सा आप अपने विचार मंथन करके बताइए। हुकुम सिंह जी थोड़ा टच कीजिए आपके मोबाइल को, आप एक बार वो पोर्ट्रेट आपका टेढ़ा हो गया। हाँ ठीक है, ओके ओके जी अच्छा, वो फिर से माइक आपका बंद हो गया। फिर से वापस री एंटर करिए।
हेलो। हाँ नहीं, री एंटर करना पड़ेगा आपको, तब शुरू हो जाता है। एक वापस बार री री एंटर करना, रीज्वाइन करना पड़ेगा। शिव नेहा बहन कुछ सुनाइए, गीत आपने तैयार किया, बोला मैं बोला आपका भी गीत सुन हाँ लेते हैं। गीत तो, अरे वो तो बाबा के इससे हमने कुछ तैयार किया था, हाँ तो तो सुनाइए थोड़ा, चलो तब वही तक एक हम सुनाते सुन हैं। लिया तब जाए। तक जो गीत है कि पल पल दिल के पास रहते हैं, तो वैसे बाबा की, शिव बाबा की प्रेरणा से कुछ लिखा है। पल बिल्कुल बिल्कुल। पल पल दिल के पास, जो सॉन्ग है, जी पल जी पल दिल से बात तुमसे करती हूँ, जीवन तुमसे खा बाबा से कहती हूँ, पल पल दिल से बात तुमसे करती हूँ, हर सुबह मस्तक पर तू हाथ सहराए, हर रात गोदी में सुकून ले आए, मैं झूम लेती हूँ तेरी खुशबू आती है, एक हल्का हल्का सा एहसास लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी बाबा बाबा गाते हैं, पल पल दिल से बा मैं करती हूँ। एक और पैरा गाना चाहूंगी। कल तुझको ढूंढते थे हम मंदिर मंदिर में, आज कहे रहे हो तुम मुझे बांध लो बंधन में, ये कैसा सहयोग है, ये कैसी मंजिल है, सपने होकर भी क्यों ये लगते सच्चे हैं, मैं ख्वाब में रहती हूँ खुशी खुशी कहती हूँ, पल पल मैं दिल से बात मैं करती हूँ। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो भगवान से हो जाता है, और जैसे जी चित्रकार संकल्प से चित्र बनाते हैं, ऐसे हम विचित्र के साथ कनेक्ट होकर ये संकल्पों से रचना लिख लेते हैं। तो जस्ट बिल्कुल सुना बिल्कुल। दिया। थैंक यू शिव नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ हाँ शुक्रिया। जी आइए हुकुम सिंह जी, मैं चाहूँगा कि भारतीय जो कला का प्रदर्शन है अभी चित्रकला में, हम किन किन जी चीज़ों को अगर रिप्रेजेंट करें जिससे भारत की महिमा हो, तो जैसे वर्कशॉप में आप बताते ही होंगे, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा भारत की महिमा को अनलाइट हाईलाइट करने के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी देखिए, मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति जो है वो सीधी सीधी मोक्षगामी है। हम कोई भी काम, किसी भी प्रकार की विद्या का अवलंबन लेते हैं या कला का अवलंबन लेते हैं, वो इसीलिए है कि वो हमको मोक्षगामी बनाए, हमें ईश्वर की बिल्कुल तरफ उन्मुख करें, हम उस तरफ प्रगति कर सकें। हमारा भौतिकवाद बहुत ही ऐसा है कि आध्यात्मिकवाद के साथ चलता है, तो चित्रकला में भी ऐसा ही है कि हम अपने में खो जाते हैं और अपने से खो करके फिर उसमें खो जाते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। तो बिल्कुल भारतीय संस्कृति का यही एक खासियत है कि आप उलझते नहीं हैं संसार में, संसार में रहते तो हैं लेकिन आप उलझते नहीं हैं। तो यदि हम गुरु कृपा रही, ईश्वर कृपा रही, तो हम इसी प्रकार से काम करेंगे कि अपनी पेंटिंग्स में ऐसे विषय बनाए जाएं, ऐसे कुछ उदाहरण बनाए जाएं जिनसे कि लोगों को भी इस प्रकार की प्रेरणा मिलती रहे। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि हमारे यहाँ पर एक शास्त्र है कामसूत्र, लेकिन जैसे हम उसका नाम सुनते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो कुछ भोग विलास की बात है, लेकिन वास्तव में यदि हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि चित्रकला से संबंधित आर्किटेक्चर या इंटीरियर डिजाइन, इवन फैशन डिजाइनिंग तक का भी उन्होंने इतना अच्छा व्याख्या करी है वहां पर, जो कि आपको शांति देती है, सुख महसूस कराती है। और अगर हम उन
अपने शास्त्रों का अवलंबन लेकर के पेंटिंग्स बनाते हैं। जैसे ज्योतिष शास्त्र की मैं कुछ पेंटिंग्स बनाता हूँ, ज्योतिष पेंटिंग, तो उसमें क्या किया जाता है कि आप अपनी ही कुंडली का एक पेंटिंग बना लेते हैं और उसके रोज दर्शन करते हैं, तो वो आपको ये बताती है कि आपके जीवन में क्या माइनस है, क्या प्लस है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, किससे सचेत रहना है। वास्तु की बात करें तो हम अपने शास्त्रों में ऐसी पेंटिंग्स बनाने का निर्देश है और व्याख्या है कि आप चाहें तो अपने आसपास ऐसे रंगों का उपयोग कर सकते हैं जिनसे आपको रेगुलरली नियमित रूप से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहे और आप जीवन में बिल्कुल अग्रसर हो बिल्कुल पाए अपने क्षेत्रों में। तो अगर हम भारतीय संस्कृति के साथ अगर चल करके कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं भारतीय संस्कृति को, तो हमको फर्स्ट तो डीपली हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे से किसी योग्य गुरु के बिल्कुल सानिध्य में रह करके उसको समझना होगा और फिर हम उसको आगे तक बढ़ा सकते हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं तो वो वास्तु पेंटिंग बनाते हैं अब वास्तु के अनुसार कि कौन सी दीवार पर किस प्रकार का सब्जेक्ट होना चाहिए, किन रंगों के साथ, और उससे उनको वाइब्स मिलती है, पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। तो हमको इस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा, मैं इसी प्रयास में लगा भी हूँ और ईश्वर कृपा रही, गुरु कृपा रही, तो भविष्य में ऐसा विचार है कि एक इस प्रकार का गुरुकुलम शुरू किया जाए, ऐसी संस्था शुरू की जाए जहाँ पर भारतीय शास्त्रों के साथ जो है उनका अवलंबन लेकर के कलाओं का विकास किया जाए। तो शायद मेरे हिसाब से यही गुरु सेवा रहेगी मेरी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जो है भावनाएं आपने व्यक्त किया कि भारत को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो वो इसके लिए मंथन करके जो है हमें ईश्वर जो है उस सुप्रीम से जुड़ने की ज़रूरत है और खुद से जुड़कर फिर हम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये आपने बताया और इसमें शांति की बात है, खुद अगर साइलेंस रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम उन चीज़ों को ठीक से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यहाँ जो है खुद के ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट दिखता है और खुद से जुड़ते ही उसके जो रचनाकार है अर्थात परमात्मा जिसको कहते हैं उनके बारे में, उनके आर्ट को क्रिएट करने में या उनको प्रेजेंट करने में हम सक्षम हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा है कि खुद से लर्निंग बहुत ज़रूरी है और फिर हम लोग उस रचनाकार, सृष्टि के रचनाकार को, ये कौन चित्रकार है जैसे हम लोग कहते हैं कि इन्होंने इतनी खूबसूरत ये सुंदर रचना जो है संसार का बनाया है जिसमें कुदरत हमें जो है हमारी सेवा के लिए उपस्थित की है, तो ऐसे नेचर को बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा, है ना। गीतों में भी हम लोग कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नेचुरली वो सुंदरता को बयां करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अंतर मन से उसे याद करते हुए उसके साथ जुड़ना होगा और वो जब जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जीवन नेचुरल होगा और वहां पर गम या दुख, अशांति ऐसी कोई चीजें होगी नहीं, उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे आप। एक ऐसी खूबसूरत दुनिया की तरफ आपका आर्ट चलेगा जो शायद वो दुनिया देखती रह जाएगी निश्चित तौर पे। तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया और आप वर्कशॉप करते हैं तो निश्चित तौर पे मेरे ख्याल से एक ऐसा टाइम भी 10 मिनट इस पर भी आप जरूर बोलिएगा कि भारत को कैसे रिप्रेजेंट करें, भारत को हाईलाइट कैसे करें। और निश्चित तौर पे आपने अध्यात्म के बारे में बात की कि भारत जो है वैज्ञानिक तौर पे आगे नहीं, अध्यात्म रूप से आगे बढ़ता है और अध्यात्म के अंदर निहित एक विज्ञान है, उसे समझना भारत की अपनी खूबी है। तो निश्चित तौर पर हम लोग बाहर नहीं आंतरिक खोजी हैं, इसीलिए भारत को भास्कर नाम से भी जाना जाता है। तो नेचुरली हमें ये सारी चीजें शायद वर्कशॉप में बिल्कुल खुल के बच्चों को बताने से उनका जो है मानस पटल पर ये चीजें आएगी और निश्चित तौर पे उनका विचार मंथन भी इस पर चलेगा। हुकुम सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी विचारधारा भी बड़ा सुंदर है और बच्चों को देखकर आप उनको डायग्नोस कर पाते हैं कि इन्हें किस चीज को सिखाना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं, हम चाहेंगे कि आप आते रहे हमारे साथ, यूं ही जुड़ते रहे। जी एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी हुकम सिंह जी को कि जैसे आपने कहा कि जी अपने आप से जुड़ना बहुत ही जरूरी है, तो उसमें हमारा राजयोग जी मेडिटेशन का जो ब्रह्म कुमारी इसके प्लेटफॉर्म पर कोर्स सिखाया जाता है, अगर वो भी आप आपके शिक्षण पद्धति में उसको थोड़ा जी इंक्लूड करें तो मुझे
मुझे लगता है कि जब भी एकाग्रता की जी जो शक्ति चाहिए वो उसमें से बहुत ही प्राप्त हो सकती है। जी और दूसरा और एक जी चीज मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, जो हम भारतीय संस्कृति के एम के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे तभी ये गाना मन जी में आया कि आज चल के तुझे मैं लेकर चलूँ एक ऐसे गगन के तले। जी तो भारतीय संस्कृति वही तला है कि जहाँ पर प्रेम भी है, सुख भी है, संपत्ति भी है, और एक अलग रीत की एक दुनिया है भारतीय संस्कृति में, कि जहाँ पर मतलब भावनाओं का स्रोत लगातार बहता है। तो कोई ऐसी चीजों को आपके ड्राइंग में आप इंक्लूड जब भी करेंगे तो मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी तरह से आप उसको प्रदर्शित कर सकोगे। और मैं दर्शक मित्र जो भी देख रहे हैं उनको ये अपील भी करना चाहूंगी कि चित्रकला है या जो कुछ ड्रामा लिखना है, जो भी ऐसी जो चीजें हैं आर्ट जो आर्ट कला फॉर्म के संबंध में है आर्ट फॉर्म में, तो उसके लिए आपको एकाग्रता की बहुत ही जरूरत है। और वो एकाग्रता जब भी आप राजयोग का मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, पहले अपने आप को आप जानते हो, अपने आप को जानने के बाद में आप वो परमात्मा को जानते हो, और जब भी आत्मा और परमात्मा का एक कनेक्शन होता है तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी खूबसूरत जिंदगी बनती है और अच्छे से आप कला के अंदर खो जाते हो। शायद मेरी नज़म सुन के आपने भी ये एहसास किया होगा। मैं कोई भी राइटर नहीं हूँ, मैं कभी भी लिखती नहीं हूँ, ये परमात्मा से सानिध्य में रहने से ये नज़म ये शायरी या लिखना मैंने चालू किया है। तो कला प्रेमियों को ये जरूर ये प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, राजयोगा मेडिटेशन का, साधना का। तो यही मैं मैसेज देना चाहती थी। जी और हुकुम सिंह जी आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। खाली एक ये मैं जानना स्लाइड जाते जाते चाहती थी कि ये चित्रकला के जो प्रोफेशन है उसमें अपडेट रहना कितना जरूरी जी है, जैसे इनकम टैक्स है, जैसे मैं अकाउंट से हूँ, या आजकल बहुत सारी जगह में अपडेट रहना पड़ता है आपको, तो चित्रकला के इसमें जी अपडेट रहने में क्या मतलब, क्या कौन सी चीजों में अपडेट रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमको अपनी कोई एक टेक्निक पकड़ लेनी चाहिए। जब भी हम शुरुआत करते हैं तो हमारा कोई एक पैटर्न हो या टेक्निक हो, हमारी एक पहचान बन जानी चाहिए हमारे काम के जरिए से। और साथ में हमको ये ध्यान रखना होता है कि अलग अलग प्रकार के एग्जीबिशंस होते रहते हैं अलग अलग आर्टिस्ट के, तो हमको आर्ट गैलरीज वगैरह में या ऐसे जो वर्कशॉप्स हों उनको अटेंड करना चाहिए निश्चित रूप से, ताकि हमको और भी अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स को जानने को मिले। उससे हम अपने कार्य में अपडेट हो सकते हैं। जब हम जानेंगे नहीं कि मार्केट में क्या हो रहा है, विश्व में क्या हो रहा है, तब तक हम अपने कार्य को ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बिल्कुल केवल हम ही तो अकेले आर्टिस्ट नहीं हैं, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, और सभी का अपना अपना क्रिएटिविटी है, और वो अपने कार्य में लाते बिल्कुल हैं। तो हमको सीखना चाहिए। लियोनार्डो द विंची का एक उक्ति मुझे याद आता है इस विषय में कि इफ यू कॉपी वन पेंटिंग देन यू आर अ चीटर, बट इफ यू कॉपी 1,000 पेंटिंग्स एंड क्रिएट वन पेंटिंग आउट ऑफ इट देन यू आर एन आर्टिस्ट। कि वाह आप वहां से आप सीखिए 1,000 पेंटिंग से और अपनी पेंटिंग्स अप्लाई कीजिए। तो बना दीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि इससे हमको इस तरीके से ही हमको चलना चाहिए कि हम आसपास भी ध्यान रखें कि कौन किस प्रकार का आर्टिस्ट है, क्या कर रहा है, और कैसे टेक्निक यूज कर रहे हैं, कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या उनके थॉट्स हैं। बिकॉज यू डोंट बाय पीस ऑफ पेंटिंग अ पेपर और कैनवास एनीथिंग, यू बाय कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट खरीदा जाता है, आर्टिस्ट की बिल्कुल फीलिंग्स खरीदी जाती है उस आर्ट वर्क के जरिए से। तो अगर हम बार बार अलग अलग प्रकार के आर्टिस्ट की फीलिंग्स को, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे कार्य में भी गुणवत्ता बढ़ेगी, क्वालिटी विल बी इंक्रीज। बिल्कुल ऐसा मुझे बिल्कुल। लगता है। चलिए, और बहुत बहुत मेरे धन्यवाद, पिताजी शुक्रिया, एक बहुत आपने अच्छी बहुत बात अच्छा फरमाते थे भावनाएं। शुरुआत में। बिल्कुल, चलिए तो हुकुम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी, बहुत बहुत बधाई आपको आगे बढ़ने के लिए, और अच्छा काम कर रहे करते रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। शिव नेहा जी एंड नीता जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और चलिए दोस्तों, आज हमने आर्ट या आर्टिस्ट को जानने की कोशिश की,
और आर्टिस्ट और आर्ट फॉर्म क्या है वो आपने समझा है। तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में आर्ट जो है बहुत काम करता है। और जैसे आखिरी में उन्होंने कहा कि आपको नहीं खरीदते, आपके फीलिंग्स आपकी भावनाओं को जब आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो तो वो चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो निश्चित तौर पर एक पॉजिटिव आस्पेक्ट आपके पास हो और पॉजिटिव फीलिंग्स हो और जो लोगों को सुकून दे, ऐसी कुछ फीलिंग्स आप अगर व्यक्त करते हैं तो लोग चाहेंगे कि उन चीज़ों को अपने घर में संजोए रखें और उसके लिए आपको हमेशा ही याद किया जाएगा। तो पेंटिंग एक आर्ट जो है मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है, उसके साथ आपका नाम भी जिंदा रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत कला है जिसे सीखें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।